Okay, now listen everybody, starting the class for today, we have now today the topic, the third industry. Before that we have discussed two industries, that was first was extraction of sodium metal by down cell, then we discussed how to prepare sodium carbonate by using Solvay process. Now third industry is going to be discussed today, that is industrial preparation of sodium hydroxide or caustic soda. कि हम किस तरह से इंडस्ट्रीज में सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा को बनाते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, और जिस प्रोसेस से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा को बनाते हैं उसी प्रोसेस से हमारे पास हमें क्लोरीन गैस भी मिलती है। तो अगर आपसे एग्जाम में कहा जाए कि क्लोरीन गैस बनाए इस प्रोसेस से, तो भी मुमकिन है, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस भी बन सकती है और साथ में NaOH भी बनेगा, ठीक है। और देखा जाए तो हाइड्रोजन गैस भी बन रहा है, लेकिन हम उसको एज अ यूज़ करते नहीं हाइड्रोजन गैस के प्रिपरेशन के लिए उसको। इसके लिए हम यहाँ पर एक सेल इस्तेमाल करें, जो क्लास नाइन्थ में भी आपने पढ़ा होगा इसको, क्लास नाइन्थ के अंदर भी जो हैलोजेंस वाला चैप्टर था उसके अंदर ये था, चैप्टर 15 में। और ये जो सेल इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जिसको हम कहते हैं कास्टनर कैलनर सेल। दो साइंटिस्ट ने मिलकर ये पेश किया, एक का नाम था कास्टनर और एक का नाम था कैलनर, इसलिए दोनों के बीच में हाइफन लगा रहे हैं। तो कल बताया था हाइफन इसलिए लगाते हैं कि जब दो नामों को एक साथ यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कास्टनर और कैलनर ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं, दोनों ने मिलकर एक सेल बनाया था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया था, जिसको हम कहते हैं कास्टनर कैलनर सेल, जिसके अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन करते हैं। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था सॉल्वे प्रोसेस, वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं था, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं था हमें ज़्यादा, उसके अंदर हम पूरे केमिकल प्रोसेस फॉलो कर रहे थे। लेकिन जो डाउन सेल था वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, उसमें एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट सब था। कल जो पढ़ रहे थे उसमें कोई एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट जैसी चीज़ उसके अंदर नहीं थी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर से ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो एनोड भी है, कैथोड भी, इलेक्ट्रोलाइट भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि उसकी कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल, कि सेल की कंस्ट्रक्शन किस तरह से की गई है। तो कास्टनर कैलनर सेल कंसिस्ट होता है दो कंपार्टमेंट में, एक अपर कंपार्टमेंट होता है ऊपर और एक नीचे होता है लोअर कंपार्टमेंट। लोअर कंपार्टमेंट के अंदर क्या होता है कि एक हमारे पास इसके अंदर सर्कुलर पाइप होती है, और सर्कुलर स्टील की एक सर्कुलर पाइप होती है, और उसके अंदर हम मरकरी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा रहे होते हैं, और मरकरी को फ्लो करवाने के लिए यहाँ पर हम मरकरी पंप इस्तेमाल करते हैं। ये मरकरी पंप करता है क्या है, इस मरकरी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाता है, ठीक है। और मरकरी और इस पाइप को हम जोड़ देते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, इस तरह से ये पूरा का पूरा पाइप या इसके अंदर मौजूद जो मरकरी है वो बन जाता है कैथोड, इसलिए मरकरी को यहाँ कहेंगे मूविंग मरकरी कैथोड, जो मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पाइप के अंदर इस मरकरी पंप की वजह से। लोअर कंपार्टमेंट में एक तो आपको एक सर्कुलर पाइप आपको दिखती है, और उसके साथ नीचे एक बॉक्स मिलता है राइट साइड पर आपको, दिस इज कॉल्ड डिन्यूडर। डिन्यूडर के अंदर एक ग्रेफाइट ब्लॉक होता है और उसके अंदर पानी डाला हुआ होता है। इस डिन्यूडर की जगह यहीं पर क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन करते हैं। जब मैं वर्किंग ऑफ द सेल बताऊंगा तो फिर पता लगेगा कि डिन्यूडर का काम क्या है। उसके बाद अपर कंपार्टमेंट में जब जाते हैं, अपर कंपार्टमेंट में एक पूरा बड़ा टैंक लगा है, उस टैंक के अंदर हम डालते हैं यहाँ से ब्राइन। ब्राइन इज एक्चुअली द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, नमक पानी का महलूल, ठीक है। और जब यहाँ ब्राइन हम डालते हैं तो ब्राइन इज एक्चुअली यहाँ पर ये ब्राइन होता है एक इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब इसी के इलेक्ट्रोलिसिस करके सोडियम और क्लोरीन को अलग करेंगे। और अपर कंपार्टमेंट में इस ब्राइन के अंदर हमने डिप किया हुआ होता है टाइटेनियम ब्लॉक्स, टाइटेनियम के कुछ ब्लॉक्स हमने डिप किए होते हैं, जिसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया होता है, और इस तरह से ये टाइटेनियम एनोड बन जाता है, ठीक है। टाइटेनियम एक ट्रांजिशन मेटल है, सॉलिड है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल की, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर लगी हुई मिल रही हैं। उसके बाद अब आते हैं वर्किंग ऑफ द सेल की, किस तरह से ये सेल वर्क करता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने से क्या होता है कि यहाँ पे NaCl जो है तो वो आयोनाइज होता है, और आयोनाइज होने के बाद अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, मतलब पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है, नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे ये Cl नेगेटिव है, ये चला जाएगा आपके पास ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर, दैट इज एनोड पर चला जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, क्लोरीन गैस दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्लोरीन गैस बनके यहाँ से क्लोरीन गैस बाहर निकल जाए कि आप उसको जमा भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्लोरीन गैस प्रिपेयर हो गई। अब सोडियम आइंस क्या करेंगे, सोडियम आइंस जाएंगे इस मूविंग मरकरी कैथोड की तरफ। अब फिर से वही बात है कि अगर आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर कि यहाँ पर किस तरह से सोडियम आइन इस पाइप के अंदर जाएगा, इसके अंदर ये नहीं सोचना है कि इसमें छोटे छोटे होल्स हैं, सुराख हैं, क्योंकि अगर वो सुराख होगा तो सूरत में क्या होगा कि ये ब्राइन भी इसके अंदर आ जाएगा। तो ये मैंने आपको वहाँ पर बताया था डाउन सेल के अंदर आयरन गॉस डायफ्राम के बारे में, क्या डायफ्राम एक ऐसी चीज़ होती है जो क्या करती है, दो चीज़ों को सेपरेट करती है। तो ये डायफ्राम आइंस को तो पास होने देता है, लेकिन जो फ्री स्टेट में एलिमेंट्स होते हैं उनको पास होने नहीं देता। तो यहाँ पर क्या होता है कि Na पॉजिटिव आयन सारे के सारे ट्रांसफ़र हो जाते हैं इस पाइप के अंदर। तो Na पॉजिटिव आयन जब यहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो उस पाइप के अंदर आ जाता है। अगर हम सेल रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पर आपको पता है कि आयनाइजेशन हो रही है, कि NaCl है उसको में पानी डाला जा रहा है, और पानी डालकर Na+ और Cl- में ब्रेक कर दिया जाता है, मतलब ब्राइन है।
उसके बाद एनोड पर क्या हो रहा है, क्लोराइड आयंस जा रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्रीन कलर की गैस अपर कंपार्टमेंट से एस्केप हो जा रही है, इजेक्ट हो जा रही है। कैथोड पर क्या हो रहा है कि Na पॉजिटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर पहले तो दो सवाल बनेंगे। एक सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर ये निकलेगा कि अब चूंकि ये ब्राइन है, ब्राइन के अंदर आपको पता है Na प्लस Cl माइनस और साथ में H प्लस और OH माइनस भी है, ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है ना कि आप बोलोगे सर इसका मतलब तो H प्लस को भी आ जाना चाहिए इसके साथ, तो Na प्लस या H प्लस में से कोई एक आएगा, तो Na प्लस ही क्यों जाता है, H प्लस क्यों नहीं जाता है इलेक्ट्रोलिसिस करते हुए। इसके लिए यहाँ पर हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। आपको याद है कि फर्स्ट ईयर में जब हमने जो है वो फर्स्ट ईयर में जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिस्कस किया था, जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है, तो वो ECS मैंने उसके बारे में बताया था, उसका एक निमोनिक बताई थी ना कि लेके खाना मज़े से, लेके खाना मज़े से आला मन जो करे फेंक दे कोई निगाहें सुंदर प्यार भरी, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन आपको दिख रहा है और यहाँ सोडियम मिल रहा है, टॉप से बॉटम में क्या होता है कि रिएक्टिविटी यहाँ पर जो है वो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है रिवर्सिबल हाइड्रोजन के, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वही डिस्चार्ज हो रहा होता है कैथोड पर। इसकी वजह से सोडियम और हाइड्रोजन का जब कंपटीशन होगा एक सॉल्यूशन के अंदर, तो Na प्लस आयन जाएगा कैथोड के पास बनिस्बत हाइड्रोजन आयन के, ठीक है। एक रीज़न भी होगा, मैं आपको एट द एंड ऑफ द लिखाऊंगा इसके बाद कि क्यों आखिरकार Na प्लस जाता है H प्लस नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ पर एक सवाल तो आपको क्लियर होगा कि Na प्लस ही जाएगा, H प्लस नहीं जाएगा। अच्छा, सेम ये वाली बात हमने डाउन सेल के अंदर मैंने आपको ये बात नहीं बताई थी, क्योंकि डाउन सेल में हम ब्राइन यूज़ ही नहीं कर रहे थे, बाहर आप जब यूज़ कर रहे थे मोल्टेन सोडियम क्लोराइड पिघला हुआ, उसके अंदर तो पानी था ही नहीं, है ना, उसके अंदर तो हमने मोल्टेन यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें भी क्या कि जो है वो मोल्टेन इस्तेमाल कर रहे थे, मोल्टेन स्टेट में इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आ जाते हैं, तो जब सोडियम मेटल जब इस पाइप के अंदर जाएगा ना, तो पाइप के अंदर तो पहले से मरकरी मौजूद है, तो सोडियम मरकरी के साथ मिल जाएगा, केमिकली रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, चूँकि दो मेटल्स कैन नेवर, तो जो है वो आपस में कभी भी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, टू मेटल्स नेवर रिएक्ट ईच अदर, तो दो मेटल्स कभी भी साथ में रिएक्शन नहीं करते, दोनों मेटल्स साथ में रिएक्शन कर सकते हैं लेकिन दो मेटल्स साथ में कभी भी रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। तीसरा, सोडियम और मरकरी दोनों मेटल्स है, दोनों साथ में रिएक्शन नहीं करते, स्लैश डालते हैं, स्लैश का मतलब कि ये दोनों फिजिकली कम्बाइंड है, और इस तरह से जब मेटल्स फिजिकली कम्बाइंड होते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं दे आर कॉल्ड अलॉय, उनको हम अलॉय कहते हैं, जैसे स्टील हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास हो गया, नाइक्रोम है, बहुत सारे होते हैं, पीतल है, ये सब चीज़ें होती है ना, ये सब अलॉयज होते हैं। अलॉयज में क्या होता है कि मेटल्स फिजिकली कम्बाइंड होते हैं बनिस्बत के वो जो है वो केमिकली कम्बाइंड नहीं होते हैं, तो सोडियम मरकरी के साथ फिजिकली कम्बाइंड हो गया है, चूँकि उसके अंदर मरकरी भी तो मूव कर रहा है, और याद रखो एक ऐसा अलॉय जिसके अंदर मरकरी मौजूद है उसको हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री में एमलगम, तो एमलगम एक ऐसा अलॉय होता है जिसमें मरकरी हो, ठीक है। मरकरी बेस्ड जो भी अलॉय होता है वो एमलगम कहलाता है, जैसे आयरन बेस्ड जितने भी अलॉय दुनिया के हैं उसको स्टील कहते हैं, अब वो आयरन अगर आ गया ना अलॉय के अंदर वो स्टील ही होगा, चाहे वो स्टेनलेस स्टील हो या दूसरा कोई भी स्टील हो, इस तरह से अगर कहीं मरकरी आ गया अलॉय के अंदर तो वो लाजमी एमलगम होगा, तो ये सोडियम एमलगम भी कहलाता है, क्योंकि मरकरी एक लिक्विड है और उसके अंदर सोडियम मेटल आ जाता है तो फालूदा जैसा बन जाता है, ठीक है। तो वो फालूदा जैसा जो एमलगम बना है तो आगे आकर ट्रांसफर होता है, क्योंकि मोटर तो अभी भी चल ही रहा है, तो आखिरकार ट्रांसफर होते होते वो गिर जाता है डिन्यूटर के अंदर। अब डिन्यूटर में जब जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर रिएक्शन होता है कि जो एमलगम है उसके रिएक्शन होता है वाटर के साथ। अब एमलगम वाटर के साथ किस तरह रिएक्शन करता है कि सोडियम प्लस है, मरकरी भी प्लस है, H प्लस है और OH माइनस है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ Na रिएक्शन कर जाएगी इसके साथ OH के साथ, क्या बन गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, वो निकल जाएगा। अच्छा, Hg को भी OH से रिएक्शन करना चाहिए इस तरह से, तो मरकरी हाइड्रोक्साइड बनाना चाहिए, मरकरी हाइड्रोक्साइड, लेकिन ये नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, ये इस वजह से नहीं बनता, चूँकि हम जानते हैं जिस तरह से नोबल गैसेस होते हैं हमारे पास, एट ए ग्रुप के गैसेस जो रिएक्शन नहीं करते, उसी तरह से कुछ हमारे पास नोबल मेटल्स भी होते हैं, वो मेटल्स जो आपस में रिएक्शन नहीं करते उनको कहते हैं हापा मेटल्स। हापा मेटल्स ये वो मेटल्स हैं जो आपस में वो जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। हापा मतलब HgAgPtAu, मतलब सिल्वर मतलब मरकरी सिल्वर प्लैटिनम और गोल्ड, ये चार ऐसे मेटल हैं जो कभी किसी चीज़ से रिएक्शन नहीं करते, इस वजह से मरकरी इस पानी से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो NaOH बना, Hg अलग हो गया और हाइड्रोजन गैस भी अलग हो गया, H2 गैस, ठीक है। तो NaOH को तो हम यहाँ से निकाल लिया हमने, कास्टिक सोडा यही कहलाता है जो हमारे यूज़फुल है हमारे लिए, ठीक है। इसी को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसी को हम कास्टिक सोडा कहते हैं। कास्टिक हर वो चीज़ होती है जो आपके स्किन को अफेक्ट कर सके, जो आपके स्किन में से ऑयल पार्टिकल को रिमूव कर दे वो कास्टिक होता है, इसलिए NaOH को हम सोप प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, साबुन बनाने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह से NaOH के अलावा हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर आ गई,
और जो H2 मरकरी था, मरकरी यहाँ से सेपरेट हो गया और सेपरेट होने के बाद वापस हमने इसको फर्दर इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आगे भेज दिया। सही है, मतलब वो यहाँ से फिर सेपरेट होकर बाहर निकल गया जो ये रिएक्शन है, तो ये बार बार चलता रहेगा। मतलब ये इलेक्ट्रोड जो है वो, चूँकि मरकरी आता भी महंगा है तो यूज इट इज़ सो मच एक्सपेंसिव, सो हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते बार बार नया डालें। चूँकि मरकरी का इतना सा, अगर आप समझ लो कि अगर आप 1 किलो मरकरी भी लोगे तो पाकिस्तानी आजकल तकरीबन 35,000 रुपये 40,000 रुपये का 1 किलो मरकरी चल रहा है। इतना महंगा मरकरी आप इसके अंदर डालोगे नहीं तो ये क्या होता है, मरकरी बार बार यूज़ होते रहता है, घूमते रहता है। जैसे हमने कल कहा ना, अमोनिया गैस बार बार बनती रहती है ऑटोमेटिकली, यहाँ पे मरकरी बार बार आपको आता रहता है। ठीक है, चूँकि वाटर और मरकरी आपस में मिक्स नहीं होते कभी भी, पा रहा है ना ये? यस, यहाँ से फिल्टर करके यहाँ कोई फिल्ट्रेशन तकनीक लगी होगी जहाँ से हम उसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मरकरी बार बार घूमते रहेगा। अच्छा, अब इस प्रोसेस का एडवांटेज क्या है कि इस तरह से तो आपने देख लिया कि कैसे NOH बन रहा है, कैसे क्लोरीन गैस बन रही है। अब इस प्रोसेस का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि यहाँ पर हम इस प्रोसेस में क्लोरीन गैस को और NOH को हम अलग अलग कंपार्टमेंट से बना रहे हैं। अगर हम उनको एक ही कंपार्टमेंट में बनाते हैं ना, इतना बच्चे बोलते थे इतना बड़ा सेल आपने क्यों लगा दिया, अपर और लोअर कंपार्टमेंट एक ही कंपार्टमेंट में कर दिया दोनों काम, तो वजह पता है क्या हो जाती है? क्योंकि ये दोनों बहुत हाईली रिएक्टिव, क्लोरीन गैस और NOH हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो ये साथ में रिएक्शन कर जाते हैं। और ये जब सोनूर हाथ में रिएक्शन करते हैं तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड और वाटर की प्रोडक्शन होती है। तो इस तरह से क्या होता है, आपका NaOH और क्लोरीन गैस दोनों ज़ाया हो जाते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, अपर और लोअर कंपार्टमेंट में अलग अलग रिएक्शन करवा रहे होते हैं कास्ट में कैलनर सेल के अंदर। ठीक है, दूसरे इसके बाद नेक्स्ट के इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका नुकसान क्या है? चूँकि आप जानते हैं कि इस प्रोसेस को इतना अच्छा होने के बावजूद यह प्रोसेस कास्ट एंड कैलनर सेल का दुनिया भर में बैन किया जा चुका है। 1980s के दौर में इस प्रोसेस को बैन कर दिया गया, दुनिया भर में अब इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसकी जगह नेल्सन सेल को हम इस्तेमाल करते हैं सेम NaOH और क्लोरीन गैस की प्रोडक्शन के लिए। चैप्टर 4 में उसको हम पढ़ेंगे नेल्सन सेल को। वजह क्या है? बिकॉज ऑफ द यूजेज ऑफ मरकरी, इस मरकरी की वजह से उसको बैन किया गया। चूँकि मरकरी के बारे में आप जानते हैं ये टॉक्सिक केमिकल है, पॉइजनस केमिकल है मरकरी, इसलिए थर्मामीटर के अंदर जो होता है बहुत पॉइजनस होता है, टूट वगैरह जाता है तो उसको हम बड़ी केयरफुली हैंडल करते हैं। थर्मामीटर अगर टूट जाए तो हाथ से नहीं पकड़ते, इस तरह से पकड़ के फौरन से फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको छोड़ते नहीं ऐसे कभी भी, या बच्चों के हाथ में भी कभी नहीं देते उसको थर्मामीटर वगैरह। वजह क्या होता है, मरकरी बहुत टॉक्सिक और पॉइजनस होता है। ठीक है, अब है क्या कि अब आप बोलोगे सर मरकरी तो इस्तेमाल होते जा रहे तो ज़ाया ही नहीं हो रहा, लेकिन आपको मैंने बताया था कि हर इंडस्ट्री के अंदर शटडाउन पीरियड आता है, तो शटडाउन पीरियड के अंदर क्या होता है कि तमाम केमिकल्स को डिस्कार्ड करके नया केमिकल हम डाल रहे होते हैं, हर एक साल के बाद ये काम होता है हर इंडस्ट्री में। तो एक साल बाद इसमें भी यही होता है कास्ट एंड कैलनर सेल के अंदर कि एक साल बाद आपको मरकरी रिप्लेस करना पड़ता है क्योंकि उसकी एफिशिएंसी में कमी आ चुकी होती है। अब मरकरी रिप्लेस करेंगे तो उसको डिस्कार्ड करना होगा, तो वो ज़्यादातर इसको नदी नालों में डिस्कार्ड कर देते हैं, सेवरेज लाइन्स में डिस्कार्ड कर देते हैं या रिवर वगैरह में डिस्कार्ड कर देते हैं। उससे क्या होता है, पहली बात तो फ्रेश वाटर डिस्ट्रॉय हो जाता है, फ्रेश वाटर पॉइजनस हो जाता है। दूसरी चीज़ के जो एक्वेटिक लाइफ है, मरीन लाइफ है, मतलब मछलियाँ वगैरह जो हैं उनके लिए भी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है कि जब मरकरी बेस्ड वाटर, जब उन कंटेमिनेटेड वाटर उनके पास जाएगा तो जाहिर सी बात है मछलियाँ वगैरह भी मरनी शुरू हो जाएंगी। इस वजह कर EPA जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जो पूरी दुनिया भर में एनवायरमेंट की देखभाल करती है, उसने कास्ट एंड कैलनर सेल के प्रोसेस को बैन कर दिया दुनिया भर में कि ड्यू टू द यूजेज ऑफ मरकरी इसको हम इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन हमारे कोर्स में लिखा हुआ है तो उसके लिए हम इसको पढ़ते हैं। आगे बस समझो सबको क्या हो रहा है इस प्रोसेस के अंदर, एवरीबॉडी ठीक है।